उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था? उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था? वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस बाय द पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। इन्हीं पंक्तियों को कहते हुए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक मिस्टर एस सी वर्मा सर फाइनली आईआईटी कानपुर से रिटायर हो गए। मैं मनोहर वीरानी एडेविथ के एपिसोड के साथ पहुंच गया हूं उमा भारती भवन अपार्टमेंट्स में, जहां हम एस सी वर्मा सर से मुलाकात करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। होलोग्राम चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल है वरना फिर से गलत फ्लैट की घंटी बजा देता। आओ आओ जरा संभाल के। अरे एक पोंछा लगा था वहां पे। ओ मैं वेक्टर वेक्टर हाँ सर आया, बस वो सब्जी लेने गया था। हाँ सर फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है तो मनोहर गिरा क्यों नहीं? क्या लगा था सर? चेक नहीं करेंगे? सॉरी सर मैं अभी ठीक करता हूँ। इतना अच्छा पोंछा भी लगाते हो कि म्यू जीरो कर दो। और बताइए सर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखो मैं समझाता हूँ तुमको। होता क्या है कि वो तुम खड़े क्यों बैठो ना। अरे सॉरी सॉरी। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था बैठो कि कॉलेज प्रोफेसर की लाइफ की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो रिटायरमेंट लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है। सर अगर रिटायरमेंट लाइफ की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए फिर तो कुछ चल ही नहीं रहा है। सर बट एज आई मेंशन इन वॉल्यूम 1 चैप्टर काइनेमेटिक्स सेक्शन 3.1 वी कैन चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर। अरे सर पता चल गया क्या चल रहा है? बोलने की इनर्शिया की वजह से चुप होने में थोड़ा टाइम लग गया। चाहे चाहे लो कल से कहा था ना चाय यहां मुंह यहां तो पकोड़े कहां होंगे? पकोड़े अरे राइट हैंड रूल भाई। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अरे यार तुम फिजिक्स के लॉ की कदर किसी को। सॉरी सर। सर आपसे फन बातें करनी थी तो कुछ फन बातें करें सर। फन बातें तो अब हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो उसमें ग्राफ हो जाएगा, उसमें बोर हो जाओगे तुम। वेवलेंथ पे एक गाना लिखा है वो सुनाता हूँ। ये लाल रंग लैम्डा इक्वल 650 नैनोमीटर कब मुझे सर छोड़ेगा? सर, ये सर सही तो है वैल्यू। नहीं सर मेरा मतलब है कि फन टॉपिक पे बात करते हैं जैसे आपकी शादी क्यों नहीं हुई। सर कोई तो लड़की रही होगी जिसके लिए आपने बिब्योर रंग के सपने सजाए होंगे। उसे देखते ही मेरे शरीर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता और बिजली दौड़ने लगती थी। वो तो देखो सर नेचुरल है हो ही जाता है। फिर एक दिन मैंने उसे बोल ही दिया। मैंने बोला आई लव यू तो उसने बोला आई लव यू टू। मैंने बोला नहीं ये गलत है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो उसने बोला आई हेट यू। मैंने कहा आप ठीक है पर वो गुस्सा हो गई चली गई पता नहीं क्यों। सर लड़कियों का ऐसे ही रहता है सर, उनको समझना मुश्किल तो रहता ही है। उनकी कोई फोटो पड़ी है आपके पास? हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ। उसकी प्री बॉडी डायग्राम बनाई थी। कौन सी इनमें से कौन सी सर? हाँ वो राइट वाली वो है, वो दूसरी वाली तो उसकी दोस्त है। क्यूट सी है सर, सहेली भी सुंदर है। फिर से पीटा वालों का फोन आ गया। किताब से बंदर नहीं हटा सकता। नहीं 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 गलत इल्जाम नहीं, गलती से सिर्फ एक डायग्राम में बंदर पूंछ से उल्टा लड़का था वही पुराने एडिशन में, उसे भी रीप्रिंट में सीधा करवा दिया था। चलिए बाय अभी रखिए। अब निशान करके रखा है
कहते हैं रोडो जैसे किताब लिखो, उसमें एक भी बंदर नहीं है, और मैं क्यों लिखूं रोडो जैसी किताब भाई? थोड़े से जलस तो हो आप रोडो से। मैं क्यों हूँ सचिन बेवड़े जलस? वोडका मार के किताब लिख दी उसने। हाँ, तभी किसी को समझ में नहीं आती थी। अरे लाइट, अरे ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी चला गया सर। कुछ इन्वर्टर वगैरह नहीं है घर में? अरे नहीं नहीं, रेडीमेड बिजली में वो बात नहीं। वेक्टर जरा डायनामो घुमाओ, मैं जरा पैराबोलिक एडजस्ट करके आया वो। हाँ अरे सर, सर थोड़ा जल्दी करते हैं, एक्चुअली मम्मी का आधार कार्ड बनवाने निकलना था। हाँ हाँ, बस ऐसा करो ना, तुम मेरा वॉल्यूम 2 वाला फ्लैट भी देख के चले जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे ही, तो मैं आता हूँ फिर चलते हैं अपन। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी करते हैं। अभी आया मैं, बस अभी आया। तुम मारोगे क्या यार? सर आपको जबरदस्ती ऊपर वॉल्यूम 2 में ले जाने की कोशिश करेंगे, आप जाइएगा मत। क्यों? लंबी कहानी है। तो मत सुनाओ। उतनी लंबी भी नहीं है। हाँ तो सुना दो। अब आप इंसिस्ट करते हो तो सुन लो। HC वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 47 द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है? अरे बहुत गांड फाड़ चैप्टर था। एग्जैक्टली, वैसे भी लास्ट चैप्टर पढ़ता ही कौन है। एग्जैक्टली अगेन, पर सर ने इसे बहुत शिद्दत से लिखा था और कोई इसे नहीं पढ़ता, इसीलिए हर अमावस के दोपहर सर एक नया शिकार ढूंढते हैं, उसे ऊपर वॉल्यूम 2 में ले जाकर कमरे की कुंडी अंदर से बंद करते हैं और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन। सर ने क्रिस्टोफर नोलान जी तक को नहीं छोड़ा। थियोरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में उनसे इंटरस्टेलर बनवाई। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ। खेल थैंक्स से काम नहीं चलेगा बॉस, प्लीज प्लीज सर को समझाना जरा। बोलते हैं रोज सुबह जिस बेड पर जागते हो रात में वहीं जाकर सो जाते हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, इसलिए वर्क डन जीरो। पिछले 5 महीने से पगार नहीं दिए। तुम एक काम करो, रोज बेड को थोड़ा डिस्प्लेस कर लिया करो, वर्क डन भी हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, और थोड़ा जी लगा के काम करो यार। कौन सा जी लगाने की बात हो रही है, बड़ा या छोटा? छोटे जी की वैल्यू नहीं पता सर, वो बोलने में आसानी रहती है, इसलिए जी 9.8 की बजाय 10 ले लिया। बोलने में आसान रहता है। तुम्हें पता है राकेश शर्मा जी जब पहली बार स्पेस गए थे और उन्होंने इंडिया को ऊपर से देखा था, तो उनकी आंख में आंसू आ गए पर वो टपक नहीं पा रहे, जीरो ग्रेविटी। फिर जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा और बताइए, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? बस सब बढ़िया, और बताओ। उन्होंने कहा शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कमी सी। राकेश शर्मा जी को भी 10 बोलना आसान पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। क्या पागल थे? अरे सर आप खामखा इमोशनल हो गए, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इफ यू रिपीट अ लाई ऑफन एनफ इट बिकम्स ट्रुथ। सॉरी सर, सर हाथ दुख गए। न्यूटन ना करे, अगर किसी दिन जी की वैल्यू वाकई 10 हो गई तो पता है अर्थ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर हो, नहीं पता सर। तो पता करते। अरे वेक्टर वो रफ कॉपी लेके आओ और एक कलम लेके आ जा। हां सर। सर मैं निकलता हूँ सर, मम्मी का आधार कार्ड बनवाना है, पेन से बिलिंग कराना, दिक्कत हो जाएगी। अरे लेकिन अभी बाहर हल्की हल्की सी प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो अभी कहाँ जाओगे? थोड़ी देर रुक जाओ, बल्कि ऐसा करते हैं अभी ऊपर वॉल्यूम 2 देख के आया था, थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं। हाँ रुक जाओ। नहीं सर, अपनी छतरी पड़ी होगी, छतरी लेके निकल जाऊंगा मैं। अरे छतरी भी वहाँ ऊपर ही है वॉल्यूम 2 में, चलो वहीं से ले लेना, वहीं से लेना। अच्छा वो वॉल्यूम 2 की अंदर वाली कुंडी ठीक हो गई? हाँ सर, अब तो खोलने से भी नहीं खुलेगा। अरे वेक्टर ले आएगा ना छतरी ऊपर से, बाबा क्या छतरी लिया वेक्टर, जा। वेक्टर क्यों छाता ले आएगा भाई, तुम जवान आदमी हो, चलो चलते हैं अपन। आओ आओ, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे सर सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लिफ्ट तो आते वक्त बंद थी। अरे हाँ, कल वो फ्री फॉल वाले एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुल्हाड़ी से उसकी रोप काट दी थी। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें इंटरस्टेलर समझ में आई थी? सर क्रिस्टोफर नोलान जी तक को नहीं छोड़ा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। सुनो एक मिनट ले सर, मैं जा रहा हूँ। अरे सर खाजा कुछ फायदा ही नहीं है, देखो बारिश की बूंदें बाहर 30 डिग्री से गिरी हैं तो पेंट तो वैसे ही भीगेगी। सर आपके किताब में लिखा 10 किलोमीटर पर आर से भागेंगे तो नहीं भीगेगी, डायरेक्शन ऑफ रेनड्रॉप सीधी हो जाएंगी, पेंट भीगेगी नहीं। सर वो सब किताबी बातें मैंने ऐसी लिखी, किताब प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं वॉल्यूम 2 देखो, रुक जाओ आराम से, वॉल्यूम 2 देखना है, और लग जाएगी तुम्हारे बहुत देर नहीं, वॉल्यूम 2 नहीं देखना सर, जाने दो। अरे धीरे धीरे, इतनी करने के लिए सही नहीं है तुम्हें। अरे नहीं पढ़ना मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हो गया ना कोलिजन? अरे वेक्टर। हाँ सर। हाँ
देखो जरा इलास्टिक है, इलास्टिक है सर। हाँ तो खींच ले।